वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, लेटेस्ट अपडेट भी चेक करेंगे। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक की बात किया तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिले आज। 110 लेवल है, पे आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड एक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी 1.45 पैसे पे आज के दिन में 1.34% की रैली बनाता हुआ नजर आ चुका है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक। तो मूवमेंट की बात की जाए तो देख सकते हैं कि आज गैप अप से ऊपर ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद 110 लेवल जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड एक्ट होते हुए नजर आ रहे हो। 110 लेवल के साथ ही ट्रेडिंग हो रही है रिसेंटली। जब इतक तक यहाँ पे आप देख सकते हैं 110 लेवल को ब्रेक करके ऊपर सेटल नहीं होता तब तक अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती। मार्केट कैप 1 लाख के नीचे आया था तो फिर से कवरिंग करके 1 लाख के ऊपर जाता हुआ नजर आ चुका है। मार्केट कैप भी देख सकते हो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक के लिए। जैसे कि देखी जाए तो बात की जाए तो यहाँ पे मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप के साथ पी रेशियो भी देख सकते हो 4 पे, जो कि अच्छा खासा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। रिसेंटली पिछले 5 दिनों की भी मूवमेंट देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में देख सकते 5.77% रैली के तकरीबन अप ट्रेंड मूवमेंट तो स्लो हो चुके हैं पर अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिले अपसाइड जाती हुई। वॉल्यूम भी देख सकते हो 76 लाख 87 हज़ार का टोटल वॉल्यूम देखने को मिला अभी तक आज के दिन में। बाइंग के लिए 24 लाख की क्वांटिटी है, उसी तरह सेलिंग के लिए 17 लाख क्वांटिटी पेंडिंग है। डिलीवरी के लिए पोजीशन देखा जाए तो देख सकते 71 लाख में से 38 लाख क्वांटिटी डिलीवरी के लिए चले गए। 53% की क्वांटिटी जो है डिलीवरी के लिए जाती हुई नजर आ चुके। चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाली जाए तो 110 लेवल जो यहाँ पे आप देख सकते रेजिस्टेंस लेवल है, उसी पे रेजिस्टेंस ले रहा है रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक। जब तक ए लेवल ब्रेक नहीं होती तब तक ऐसी मूवमेंट रहेगी। जब तक ए लेवल ब्रेक होते या क्लोजिंग इसी के साथ देते हैं और कल गैपअप से ओपन होता है तो ऊपर जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आने वाले वीक में 115 to 116 लेवल तक इजिली जा सकता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक के लिए।